हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों तो आज का वीडियो मुख्यमंत्री जन कल्याण यानी कि संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले प्रत्येक श्रमिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कल मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा जन कल्याण यानी कि संबल योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों के खातों में कुल मिलाकर 678 करोड़ रुपए की राशि का अनुग्रहण किया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, कल ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा दो और काफ़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसके अंतर्गत अब जिन सभी उम्मीदवारों के पास संबल कार्ड है यानी कि यदि आप भी जन कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं तो आप सभी के लिए अब फ्री स्कूटी और 4 लाख रुपए की राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मामले की पूरी गंभीरता क्या है और इन दोनों चीज़ों का लाभ आप सभी कैसे उठा सकते हैं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियो पर बिना स्किप करे अंतिम तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस तस्वीर को देख ही सकते होंगे, जो कि इस तस्वीर को ऑफिशियली तौर पर मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा ट्वीट कर जारी किया गया है, जहां पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा श्रमिकों के हित में काफ़ी बड़ी घोषणाएं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रथम और मुख्य काफ़ी बड़ी घोषणा कौन सी की गई है। तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते होंगे, मजदूरों की दिव्यांगता एवं मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि बढ़कर 4 लाख रुपये होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यदि किसी श्रमिकों की दिव्यांगता हालत हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है तो अब प्रत्येक परिवारों के लिए कुल मिलाकर 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों यह तो पहली और मुख्य घोषणा हो गई। इसके पश्चात दोस्तों दूसरी और काफ़ी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, जो कि सभी श्रमिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, जिन सभी श्रमिकों के पास संबल कार्ड है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए ई स्कूटर खरीदने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल मिलाकर 40,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा सभी श्रमिक वर्ग परिवारों के हित में यह काफ़ी बड़ी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत यदि आप भी अब ई स्कूटर खरीदते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आप सभी के लिए पूरे के पूरे 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई यह सहायता राशि कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मजदूर वर्ग के हितों में और काफ़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो आइए दोस्तों हम उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों तो यदि आप भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गरीब और श्रमिक वर्ग से हैं या फिर आपके पास संबल कार्ड है, तो आप सभी के लिए मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कल सभी श्रमिकों के हित में की गई इन काफ़ी बड़ी घोषणाओं को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, उन घोषणाओं के अलावा मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी बढ़ाकर 11,450 रुपये कर दी है। इसके अलावा दोस्तों जो सभी अर्धकुशल श्रमिक हैं उन सभी की मासिक मजदूरी बढ़ाकर 12,446 रुपये होगी और खेतीहर मजदूरों की मासिक मजदूरी बढ़ाकर 9,160 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो सभी उम्मीदवार पार्ट टाइम मजदूरी करते हैं उन सभी के लिए भी संबल योजना में जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, जैसे कि काफ़ी सारे संबल कार्ड धारक न्यूज़पेपर बांटते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उन सभी के लिए भी अब संबल कार्ड में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों प्रत्येक मजदूर वर्ग के हित में की गई मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सभी घोषणाएं आप सभी के लिए कैसी लगी, आप सभी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर की जानकारी ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।